सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड प्रेजिंग गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर 2000 साल पहले मनुष्य के रूप में जन्म लिया और इस जगत के उद्धार के लिए वो अपने आप को उस कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। जब उसे गाड़ा गया और वह तीसरे दिन जी उठा, तब वो अपने लोगों में 40 दिन तक रहा और जब बादलों पर उठा लिया गया, तब ये आकाश से आकाशवाणी हुई दो स्वर्गदूतों के द्वारा और कहा कि हे गलीली पुरुषों, तुम स्वर्ग की ओर क्या ताक रहे हो? यही यीशु जो अभी स्वर्ग में उठा लिया गया है, वह फिर से बादलों पर आएगा। प्रभु के चेले प्रभु से पूछते हैं और कहते हैं कि हमें बता कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा, सावधान रहो। किस बात के लिए सावधान बोला? सावधान रहो कि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। और फिर उन्होंने कहा, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। मेरे प्रियो, इस दौर में हम जब देखते हैं तो राज पर राज चढ़ाई कर रहा है। इसराइल और कई देशों में हमलावर हो रहा है, राज पर राज चढ़ाई हो रहे हैं, देश पर देश चढ़ाई हो रहे हैं। और वचन में ये भी कहा गया कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, पीड़ाओं का आरंभ होगा। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, पीड़ाओं का आरंभ होगा, महामारियां फैलेगी और कोरोना के रूप में ये पीड़ाएं उत्पन्न हुई, महामारी फैल रही है, कई लोग नाश हो रहे हैं, दिन ब दिन मर रहे हैं मेरे प्रियो। और वचन में ऐसा भी कहा गया है कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मेरे प्रियो, जगह जगह आंधी तूफान उठ रहे हैं, आकाश की शक्तियां हिलाई जा रही है। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं मेरे आने का संकेत यही है कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह भूखमरियां आएंगी, महामारियां फैलेंगी, राज पर राज और देश पर देश चढ़ाई करेंगे। इस समय में यही हो रहा है, बाइबल की हर एक बातें पूरी हो रही है। मेरे प्रियो, इन चिन्हों को देखकर हमें लगता है कि प्रभु के आने का दिन निकट है। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कि प्रभु किस घड़ी आएगा, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, केवल पिता जानता है। प्रभु कहते हैं किस घड़ी आऊंगा वो किसी को पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पिता को पता है। लेकिन मेरे आने से पहले, मेरे आने का जो संकेत है, ये चिन्ह होंगे, अकाल पड़ेंगी, भूखमरी आएंगी, महामारियां फैलेंगी, देश पर देश और राज पर राज चढ़ाई करेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और एक वचन में ऐसा भी बताया गया है कि वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उस समय ललकार और प्रधान दूत के शब्द के साथ आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ी ललकार होगी, तुरही फूकी जाएगी और वो बादलों के ऊपर सवार होकर आएंगे। मेरे प्रियो, इस समय में यही चिन्ह दिख रहे हैं कि प्रभु के दूसरे आगमन का समय निकट है। इसलिए हमें जागते रहना, प्रभु कहते हैं इसलिए तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि मेरे नाम से कई झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और तुम्हें भरमाएंगे। इसलिए तुम सावधान रहो कि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। और वचन में साफ लिखा है
क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। जितने भी चुने हुए हैं उनको भी भरमाने की कोशिश करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमें जागते रहना है। जागने का मतलब ये नहीं कि हम 2400 घंटे अपनी आंखें खुली रखें, नहीं मेरे प्रियो। जागने का मतलब यह है कि हम प्रभु के उन जीवित वचनों को थामे रहें और हमारे विश्वास की रक्षा करें, प्रार्थना और वचन में आगे बढ़े, प्रभु से प्रार्थना करते रहें ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। क्योंकि कोई नहीं जानता कि प्रभु कब और किस समय आ जाएगा। कई जगह ये भी लिखा है वो चोर के समान आ जाएगा, वो रात्रि के पहर आ जाएगा। सिर्फ पिता ही जानता है कि प्रभु यीशु मसीह किस घड़ी आएंगे। लेकिन हमें इन चिन्हों को देखकर हमें जागृत रहना है। इन चिन्हों को, महामारियों को, राज्य पर राज्य जो चढ़ाए हो रहे हैं उनको देखते हुए हमें जागृत रहना है कि प्रभु के आने का दिन निकट है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय निकट है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन में बढ़ने की जरूरत है, विश्वास में बढ़ने की जरूरत है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि आपको ये संदेश समझ में आया तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो अभी तक जागृत नहीं है वो भी जागृत हो जाए और प्रभु में आगे बढ़े और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।